गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर 11, मास. 1 किलोमीटर बराबर इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. एक्सरसाइज 11A, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. अब हमने आपको बताया था कि 1 kg इक्वल्स टू 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का ए, 2 kg को हमें ग्राम्स में बदलना है. तो 2 है ये, इस ग्राम्स में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम्स. ये हमारा आंसर होगा. इसी तरीके से 7 kg को, बी नंबर देखिए, 7 kg को बदलना है, तो 7 लिखा और इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7000 ग्राम्स हो गया. इसी तरीके से 78, जी नंबर देखिए, जी नंबर, ये वाला क्वेश्चन, 78 kg को हम ग्राम्स में बदलेंगे, तो 78 लिखेंगे और 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 78000 ग्राम्स. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स. क्वेश्चन नंबर 2 का 1 यानी फर्स्ट है 2 kg और 70 ग्राम्स. तो देखिए इसको हम बदलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 kg को, 2 kg को ग्राम्स में बदलेंगे, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया ग्राम्स में बदल गया, प्लस 70, ये सब टोटल किस में बदल गए, ग्राम्स में. तो 2000 ये हो गया, 2000 हो गया और प्लस 70, यानी 2070 ग्राम्स. ये 2070 हो गया, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, 2070 ग्राम्स. ये हमारा आंसर होगा. बी नंबर देखिए, 3 kg 426 ग्राम्स. अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, 3 kg को 1000 में बदल दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी ग्राम्स में हो गया और 426 ग्राम्स टोटल ग्राम्स में हो गए. ये हो जाएगा 3000 प्लस 426, तो यानी 3426 ग्राम्स. ये हमारा आंसर हो जाएगा. बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. इसको किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, यानी आप 1000 से इसे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम ग्राम्स को किलोग्राम्स में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5489 ग्राम्स. तो इसको हमें किलोग्राम में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 5489 इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा, 5.489 kg. यानी देखिए ये हो जाएगा 5 kg, जो होल नंबर में है वो क्या हो जाएगा, केजी में, और 489 ग्राम्स, ये ग्राम्स में हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा. अगला क्या है देखिए, सी नंबर, 1286. अब ये देखिए इसको हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, 1286 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 1.286 kg हो जाएगा. यानी ये क्या हो गया, ये जो होल नंबर में है 1 kg में हो जाएगा, जो डेसिमल में आया 286, ये ग्राम्स में हो जाएगा. इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करिए. अब देखिए इसको हमें कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखिए ये 8000 ग्राम्स जब होगा तो 8 kg के इक्वल होगा, 16000 ग्राम्स मतलब 16 kg के इक्वल होगा,
इसी तरीके से 9 kg का मतलब 9000 ग्राम, और उसके बाद 176 ग्राम्स यानी 9176 ग्राम्स, ये टोटल हो गया 4860 ग्राम्स। यानी ये देखिए 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 kg हो जाएगा और 860 ग्राम्स होगा। इसी तरीके से 6 kg जो होगा 6 × 1000 ग्राम्स यानी 6000 ग्राम्स। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।